वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर गुड. तो आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने 12 बजे से, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी मैम आप प्लीज ऑल्टरनेट डेज पे हो गया या फिर आप ब्लॉग जरूर अपने डाला करो. तो आज है 28th ऑफ मई और आप लोगों ने कृष्णा के बर्थडे के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच. तो आज बज रहा है 12 और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और काम भी ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो चुका है, लाइक मॉपिंग वगैरह सब कुछ. तो वो शूट करना मुझे समझ नहीं आया कि लाइक झाड़ू पोछा और ये सारा कुछ मैं क्या शूट करूं, क्योंकि मेरे घर में कोई मेड नहीं आती है, मैं खुद से ही करती हूं फिलहाल. तो सारा काम मेरा हो चुका है, ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और कृष्णा की पड़ चुकी है छुट्टियां, समर वेकेशन, तो कृष्णा भी फिलहाल घर पे ही है. तो सबसे पहले मैं इंट्रो देना चाहूँगी उन फ्रेंडों को जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो मेरी फैमिली के न्यू मेंबर्स बने हैं. तो कृष्णा जो है वो मेरा बेबी है और मेरे चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर दीप्ति और मेरा नाम है दीप्ति. तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो चलिए आज का ब्लॉग जो है वो मैंने अपना 28 मई है आज 12 बजे से स्टार्ट किया है. राइट नाउ मैं होने जा रही हूँ अपने शूट के लिए, अपनी दूसरी वीडियो के लिए रेडी होने. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपना पूरा डे जो है वो किस तरीके से एक्सपेंड करती हूँ, लाइक व्यतीत कहना सही रहेगा, नहीं, किस तरीके से अपना हॉल डे जो है वो मैं एक्सपेंड करती हूँ, लाइक सम वर्क, सम मस्ती और ब्ला 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 जो भी है. तो इस तरीके से किस तरीके से मैं अपना फुल पूरा दिन जो है वो एक्सपेंड करती हूँ, कुछ काम करके, कुछ कृष्णा के साथ मस्ती करके. और कृष्णा भी राइट नाउ यहाँ पे खड़ा हुआ है क्योंकि मैं वीडियो शूट जो करने लगी हूँ. तो जैसे ही मेरी वीडियो शूट होना शुरू होती है कृष्णा मेरे पास आके खड़ा हो जाता है. तो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरा हॉल डे कि मैं किस तरीके से अपना सारा जो दिन है वो एक्सपेंड करती हूँ और प्लस आपको इसमें देखने को मिलेंगे कृष्णा के बर्थडे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कृष्णा अपना बर्थडे गिफ्ट नहीं दिखाओगे. तो कृष्णा को मैंने बोला कि कृष्णा बहुत से लोग कह रहे कि आप अपने बर्थडे गिफ्ट नहीं दिखाओगे, तो ही सेज यस मम्मा मैं दिखाऊंगा. तो मैंने कहा ओके. तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है अपने गिफ्ट्स वगैरह दिखाना. तो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे कृष्णा के कुछ बर्थडे गिफ्ट्स एंड मेरा टाइम कि मैं किस तरीके से अपने टाइम को एक्सपेंड करती हूँ. तो राइट नाउ मैंने सब कुछ कर चुकी हूँ और मैं होने जा रही हूँ अपने नेक्स्ट शूट के लिए रेडी, जो कि सेपरेट वीडियो आएगी. तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना मैं ऑल्टरनेट डेज पे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूं और नॉर्मल डेज में मैं वीडियो शेयर करूं. आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मैंने ये सोचा है कि ऑल्टरनेट डेज पे आपके साथ ब्लॉग शेयर किया जाए क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ब्लॉग्स भी आएँ. और मैंने 3 डेज जो होते हैं उसमें मैंने डिसाइड किया है कि मैं नॉर्मल जो अपनी वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ मैं वो करूँ. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे आज करना है इस ब्लॉग को भी, लाइक मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया उसके साथ साथ मेरे को दूसरा शूट भी करना है. तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कृष्णा को कि कृष्णा क्या कर रहा है. और यस मेरे इस वाले जो मैं लास्ट रूम बता रही थी ना जिसमें लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो फाइनली मेरा वो काम भी हो चुका है. मैंने इस रूम में अपनी लाइटिंग लगवा ली है तो अब आप लोगों को लाइटिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. थोड़ी सी येलो नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को व्हाइट की जगह मुझे लगता है मैं येलो कलर की लाइट ले आई हूँ, बट नो प्रॉब्लम. तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कृष्णा क्या कर रहा है. कृष्णा को गिफ्ट्स मिले थे और कृष्णा अपने गिफ्ट शेयर करोगे ना, अनबॉक्सिंग करोगे आज, जल्दी बताओ और हाय कर दो अच्छे से. आजो जल्दी आओ. हाय जल्दी आओ. अच्छा एक बात है, बच्चों को नए नए से टॉय मिलते हैं ना तो
थोड़े दिन तो उनका पीछा ही नहीं सोते, मतलब जागते सोते सिर्फ और सिर्फ वही टॉय चाहिए उनको, साथ में चाहिए। लाइक कृष्णा का तो फिलहाल यही हाल है, न्यू टॉय मिले हैं, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पागल हो रखा है बुरी तरीके से उन्हीं टॉयज के पीछे, आगे पीछे भागना और ये और वो, ना खाना ना पीना। कृष्णा अच्छे से हाय तो कर दो फटाफट से, फिर चलो मम्मा जाती है। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। हाय हाय। अभी भी कृष्णा का ध्यान जो है वो अपने टॉय में है फिलहाल। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने रेडी होने के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ हाफ रेडी, नॉट फुल रेडी। मैं अपनी वीडियो को शूट करने के लिए थोड़ा सा रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि मैंने 12 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था और राइट नाउ बजने जा रहे हैं 2। उस बीच मैंने आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करे, और कमेंट के रिप्लाई मुझे अपने फ़ोन से ही करने होते हैं, मैं अपने फ़ोन से ही वीडियोस भी बनाती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी वो वाला मैंने शूट इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अपने फ़ोन से ही रिप्लाई करने होते हैं, फ़ोन से ही आप लोगों को आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स रिप्लाई करना होता है। तो इस वजह से मैंने वो वाला अपना पोर्शन जो है वो स्किप हो गया, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ, इस वजह से वो वाला तो मैं नहीं शूट कर पाई। तो राइट नाउ मैं थोड़ा सा अपने वीडियो के लिए रेडी हो चुकी हूँ, और अपने जो मुझे पहनना है वो मैंने वो मैंने निकाल के रख लिया है। उसके साथ जो इयररिंग्स पहनने हैं वो मैंने निकाल के रख ली हैं। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप जो है वो बिल्कुल लाइट मेकअप मुझे करना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप कर लिया है फटाफट से। और अभी बज रहा है 2, तो हो चुका है लंच का टाइम। तो फिलहाल तो मैं करूँगी लंच, क्योंकि जब तक पेट में कुछ हो ना तब तक एनर्जी नहीं आती कुछ भी काम करने के लिए। तो मैं पहले जाऊँगी लंच करूँगी, लंच के बाद मैं अपने कपड़े लाइक अपनी ड्रेस पहनूंगी जो भी मुझे पहननी है, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी अपनी लिपस्टिक। तो राइट नाउ चलिए करते हैं लंच, उसके बाद मिलते हैं। तो लंच को शुरू करने से पहले आपको ये भी दिखा देते हैं कि भाई कृष्णा अपना पूरा दिन जो है वो कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कृष्णा के जो टॉयज आए हुए हैं उनकी अनबॉक्सिंग तो कृष्णा ने ऑलरेडी कर ली है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को अगर गिफ्ट्स मिले तो वो वेट नहीं करते हैं किसी का भी, उन्हें खोलना होता है। तो कृष्णा ने तो सारे अपने टॉयज जो हैं वो खोल लिए हैं, और फिलहाल यहाँ पे अपने सिनेमा स्नेक बार एक इनको टॉय है, जो कि किसने लेके दिया है, जो कि मम्मा ने लेके दिया है, उससे इंजॉय कर रहे हैं अपना ये सिनेमा स्नेक बार। जिससे ये क्या बना रहे हैं अभी कृष्णा, क्या बना रहे हो आप बता तो दो, दिखा दो। कृष्णा यहाँ पे देखो, ये पॉपकॉर्न मेकर है, इससे पॉपकॉर्न बनाने जा रहा है। तो फिलहाल तो कृष्णा अपने डे को इसी तरीके से एक्सपेंड करता है। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं, और लंच के बाद आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि कृष्णा को भी भूख लगी और मुझे भी भूख लगी है। उसके बाद मैं करूंगी अपना शूट और आप लोगों से बातें। तो चलिए कृष्णा को भी फटाफट से हैंड वॉश करा देते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँगी क्योंकि कृष्णा को जो है मैं सुला चुकी हूँ, कृष्णा जो है वो सो रहा है। तो कृष्णा ने हम सब लोगों ने लंच कर लिया है, और मैं हो चुकी हूँ अपनी वीडियो के लिए रेडी। मैं जा रही हूँ अपना शूट करने, मेरा ट्राईपॉड मेरे पीछे ही रखा हुआ है, और कृष्णा जो है वो सो चुका है। तो कृष्णा जब तक सोता है तब तक मुझे अपना एक जो वीडियो है वो आज बना लेना है, क्योंकि मैं अपना शूट जो है वो कृष्णा के बनाने के बाद ही करती हूँ, नहीं तो वो बहुत परेशान करता है, वो बनाने नहीं देता है। तो कृष्णा जो है वो सो गया है, और मैं रेडी हो चुकी हूँ फटाफट से। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना शूट, उसके बाद मैं करती हूँ आपसे बात। और मैंने बहुत ही लाइट सा मेकअप किया है, इयररिंग्स पहने हैं, एंड देन मैंने पहनी है अपनी कुर्ती। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं मैं ना एकदम से रेडी नहीं होती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है। रेडी हो गई, कुछ खा लिया, कुछ मस्ती विद फन, मैं बहुत मस्ती फन और सबके साथ रेडी होती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपने शूट के लिए कैसी रेडी होती हूँ, घर में बच्चे के साथ और काम के साथ, काम करते करते कृष्णा के साथ भी खेलते खेलते, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से रेडी होती हूँ अपने शूट के लिए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपनी वीडियो, और उसके बाद मैं करती हूँ आप अपना शूट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और थोड़ा धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी और कृष्णा दोनों ही बगल वाले साथ वाले रूम में सो रहे हैं,
और बोलते बोलते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, वीडियो शूट किया है अभी, और अभी बज रहा है, कोई कोई वीडियो ऐसी होती है कि हमें 1 आवर लगता है, 1.5 आवर लगता है मिनिमम, और मैक्सिमम तो अगर ज़्यादा मतलब खिचड़ पिचड़ वाला कुछ होता है तो उसमें हम लोगों को 2-2 आवर, 2.5-2.5 घंटे भी, 2 आवर्स भी लग जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, लाइक मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वीडियोस वगैरह बनाना। एक होता है ना एक्साइटमेंट जैसी होती है, लाइक मैंने जिस दिन कोई वीडियो शूट नहीं करी उस दिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, ऐसा मेरे साथ फिलहाल तो हो चुका है। तो इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, तो मैं धीरे धीरे बोलने का रीज़न मेरा यही है क्योंकि कृष्णा और मम्मा दोनों ही लोग सो रहे हैं, मैं कर रही हूँ अपना शूट और अभी हो गया है 3:37, तो मैं फटाफट से पहले पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत तेज सूख रहा है, मैंने वीडियो बनाया मैंने पानी भी नहीं पिया है। अब बोलते बोलते इतना ज़्यादा गला सूख जाता है, ऊपर से हम जब वीडियोस बनाते हैं तो मैं फ़ैन जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑफ़ नहीं करूँगी तो फ़ैन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो क्लियर वॉइस नहीं आती है वीडियो में, तो जब भी मैं शूट करती हूँ अपना फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ और मैं पानी भी नहीं पीती इवन शूट के बीच में, बिल्कुल शूट जब मेरा कंप्लीट हो जाता है, जब मैं अपनी वीडियो बिल्कुल परफेक्टली बना लेती हूँ उसके बाद जो है मैं पानी वगैरह पीती हूँ। तो अभी 3:36 हो रहा है, तो अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग तो नहीं करूँगी, वीडियो एडिटिंग मैं शाम को करूँगी, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, थोड़ा सा देखूँगी काम वगैरह घर का, लाइक कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं धो के उनको तय करना, उनको उनकी जगह पे रखना, तो फिलहाल तो मैं यही करने वाली हूँ, अभी कुछ नहीं करने वाली। और प्यास बहुत तेज लगती है गर्मियों में तो स्पेशली, गला बहुत ज़्यादा सूख जाता है, तो इस टाइम तो मैंने अपना एक वीडियो का शूट कर लिया है, साथ ही साथ आप लोगों के साथ भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके भी। एक होता है ना अकेले अकेले, लेकिन जब मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, और मतलब ऐसा लगता है कोई एक मेरे साथ है जिसके साथ मैं अपनी बातें कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझको, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे को इतना अच्छा लगता है। तो मैंने अपना शूट जो है वो कर लिया है, मैं फटाफट से पानी पी रही हूँ, उसके बाद मैं अपना मेकअप जो है वो रिमूव करूँगी नहीं करूँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद मैं इस बीच सारे लोग जब सोए हुए होते हैं तो खुद को भी एक नींद सी लगने लगती है क्योंकि मॉर्निंग में अप इन द हम अर्ली इन द मॉर्निंग 6:00 और 7:00 जो है वो उठ जाते हैं क्योंकि कृष्णा का स्कूल बंद हो चुका है तो हस्बैंड तो थोड़ा लेट ही जाते हैं, तो इस वजह से 7 भी बज जाते हैं, वरना जब कृष्णा का स्कूल होता है तब तो हमको 5:30-6:00 जो है वो उठना ही उठना होता है, कन्फर्म है, बट छुट्टियों के टाइम पे समर वेकेशन लाइक हमारे भी हो रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा खास, और मेरी वीडियो शूट हो चुकी है और इसके बाद थोड़ी देर बाद 4:30-4 बजे मैं कृष्णा को उठाऊंगी, मम्मा भी उठ जाएंगी, उसके बाद हम पियेंगे चाय। तो चलिए अभी तो फिलहाल मैं कुछ ऐसा खास नहीं कर रही हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं बस अपना ड्रेस चेंज करूँगी, अपना मेकअप रिमूव करूँगी और हो सका तो आपके लोगों के कमेंट की रिप्लाई दूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो उसके बाद से फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं जो हूँ अपनी वीडियो बनाई तो मैंने सोचा चलो यार एडिट भी कर ली जाती है, तो मैंने अपनी वीडियो को एडिटिंग करी है, मैंने उसको सेविंग पे लगा दिया है, उसके बाद करूँगी मैं उसको पोस्ट, और उसके बाद मैंने चाय वगैरह सारा कुछ पी लिया है, तो मैं जा रही हूँ फिलहाल अभी थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा सामान वगैरह लेके आना है, तो मार्केट से आने के बाद दिखाते हैं कृष्णा की टॉय की अनबॉक्सिंग। तो फिलहाल तो अभी मैं इतनी सी ही बात करूँगी क्योंकि आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना हॉल डे कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ, तो फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं, कुछ खास नहीं किया, जस्ट चाय पी है, अपनी वीडियो एडिटिंग करी है और अपने काम से रिलेटेड जो भी काम थे वो सारे मैंने काम करे हैं, तो मेरी वीडियो मेरे फ़ोन की बैटरी भी जो वो ऑलमोस्ट जो है फिनिश हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा अभी शूट नहीं कर सकती हूँ, मैं जब तक मार्केट से आती हूँ तब तक मेरी बैटरी भी अच्छी खासी हो जाएगी फ़ोन में, मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ, मैंने वीडियो भी जो है वो सेविंग पे लगाई हुई है, तो चलिए मार्केट से आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और उसके बाद दिखाते हैं कृष्णा के टॉय की अनबॉक्सिंग। कृष्णा, तो कृष्णा करने जा रहा है अपने किसकी अनबॉक्सिंग, अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, बहुत देर से परेशान था। जो जबने पट्टे मिले हैं।
हाँ तो कृष्णा को जो जो गिफ्ट्स मिले हैं बर्थडे में, कृष्णा वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत देर से बोला था मम्मा मेरे गिफ्ट्स दिखा दो, तो चलिए कृष्णा दिखाएगा वन बाय वन अपने गिफ्ट जो कि उसको बर्थडे में मिले हैं। और ये ढेर सारे उसके आसपास रखे हुए हैं और सारे ही कृष्णा ने जो है वो ओपन कर लिए हैं। इनकी रैपिंग जो है, इनकी सारा कुछ उन्होंने खोल दिया है, जिस दिन आए थे उसी दिन खोल दिया है। बट फिर भी कृष्णा आपको दिखाएगा। हाँ, बर्थडे के दिन कृष्णा ने अपने टॉयज जो थे वो सारे खोल दिए हैं। तो चलो कृष्णा फटाफट से दिखा दो क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। फर्स्ट क्या दिखाओगे? फर्स्ट अच्छा टेडी बियर दिखा दो। कृष्णा को एक प्यारा सा टेडी बियर मिला है, उसकी फ्रेंड ने दिया है ना, पिंक कलर का प्यारा सा टेडी बियर दिया। ओके देन और दिखाओ और क्या मिला है। और एक ये रोबोट मिला है जो कि म्यूजिकल रोबोट है। अभी इसमें सेल नहीं पड़े हैं, नहीं तो फिर कृष्णा आपको चला के भी दिखाता। ये डांस करता है ना कृष्णा, ये रोबोट जो है ये डांस करता है। बोल तो दो भाई, बोलो आप भी तो बोलो कृष्णा। हाँ, डांस करता है ये। हाँ ये डांस करता है, इसको बहुत नचाया कृष्णा ने। ओके और बताइए और क्या क्या। एक कृष्णा को ये कौन सी वाली, ये रिमोट वाली है ना, ये रिमोट वाली गाड़ी है, इसकी लाइट जलती है। ये कृष्णा को मिली है ना कृष्णा, ये कृष्णा की दादी ने कृष्णा को गिफ्ट करी है। ओके और क्या मिला है कृष्णा को। सबकी इसने रैपिंग जो है वो ऑलरेडी खोल चुका है ये, तो आपको रैपिंग किसी में भी नहीं मिलेगी, सारा गिफ्ट इन्होंने खोल दिए अपने। और ये मिले हैं इनको कलर्स, ये नीचे इधर 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 दिखाओ ना बेटू। ये इनको स्केच कलर मिले हैं, स्केच कलर यूज तो नहीं करते हैं बट ये कृष्णा की बुआ ने कृष्णा को स्केच कलर गिफ्ट करे हैं। और क्या इसके साथ क्या गिफ्ट किया है और दिखाओ। बुक्स। और ये कलरिंग बुक्स करी है क्योंकि कृष्णा को कलर्स लेना, नीचे की तरफ करो कृष्णा, क्योंकि कृष्णा को कलरिंग बुक्स बहुत पसंद है। तो कृष्णा ने ये कलरिंग बुक्स ली है जो कि ऑलरेडी एक शायद करा भी है ना आपने कलर इसमें। और कृष्णा ने ये देखो कलरिंग करना शुरू भी कर दिया है, तो कृष्णा को कलरिंग करना बहुत पसंद है। तो ये कृष्णा की बुआ ने इनको लाके दिए हैं कलरिंग्स। एंड ये क्या दिया है, ये भी कृष्णा की बुआ ने दिया है ना कृष्णा। इसमें क्या क्या है बताओ जल्दी से। इसमें ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बॉक्स, हाँ, बहुत सारी पेंसिल्स, हाँ, रेजर, दो रेजर, ओके, हाँ, इसमें सारा कृष्णा का पढ़ाई का, ये सारी स्टेशनरी का, इसका ये ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल्स वगैरह दिए हैं। और चलो अच्छा ये बताओ ये क्या है, और ये क्या है कृष्णा का, दिखाओ दिखाओ जल्दी से। ये है कृष्णा की स्केटिंग। वाओ बहुत खुश है कृष्णा, पूरे दिन घर में यही चलाते हैं, आपने देखा होगा मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। ये कृष्णा को स्केटिंग मिली है, किसने दिया ये स्केटिंग। और कृष्णा ने स्केटिंग की हालत भी खराब कर दी है चलाते चलाते। रुको रुको मैं निकाल देती हूँ, मैं निकालती हूँ, एक मिनट मैं निकाल देती हूँ। ओ ये देखो, ये कृष्णा को ब्लू कलर की, आप रुको बेटू लग जाएगी आपके, ये कृष्णा की स्केटिंग मिली है कृष्णा को, है ना। अब बस 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 चला के मत दिखाओ, ये कृष्णा की स्केटिंग है जो कि कृष्णा को किसने दी है, मौसी दादी ने। मौसी दादी ने, ये दादी ने दी है इसकी, ये स्केटिंग है इसकी। और ये क्यूब्स दिखाओ, ये क्यूब्स भी इसको किसी इनके फ्रेंड ने दिए हैं, ये प्यारे से, हाँ ये पापा ने दिए हैं, सॉरी ये पापा ने दिए हैं इनको क्यूब्स। ओके और क्या है, और क्या रह गया है, और दिखाओ। ये क्यूब्स दिए हैं और ये दिखाओ अपना लैपटॉप, ये कृष्णा के लिए एक स्टडी से रिलेटेड इनको लैपटॉप दिया है। इसमें ये गेम्स, कलर्स, ये इस तरीके से प्ले होता है। प्ले करके दिखाओ कृष्णा। ये एक दिखाया है, ये वाला एक बहुत ही प्यारा सा है ये। एक ये है, ओके चलो अभी इसको बंद कर देते हैं, बाद में दिखाएंगे। एक ये मिला है लैपटॉप, ये कृष्णा किसने दिया है, ये दादी ने दिया है, ये वाला भी दादी ने दिया है इसको। और क्या दिया है और दिखाओ। और ये है इसका, देखिए देखिए क्या है ये, स्नेक बार। ये है इनका सिनेमा स्नेक बार जिसमें सारी इनकी चीजें हैं। दिखा दो इसको भी, खोलूं मैं खोल देती हूँ, मैं खोलती हूँ आप, नहीं 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 इसे नहीं खोलो चोट लग जाएगी। एक कृष्णा को ये मिला है, ये देखो इसमें इनकी ये सारी चीजें हैं स्नेक बार में, इनकी सारी स्नेक से रिलेटेड जो भी है, पॉपकॉर्न मेकर दिया है, प्लेट्स, ग्लासेस, सॉस की बॉटल्स, और ये कोन दे रखी है जिसमें कृष्णा आइसक्रीम खाता है, क्ले दे रखी है तो कृष्णा खुद से आइसक्रीम बनाता है, पॉपकॉर्न्स बनाता है। तो ये है इनका सिनेमा स्नेक बार जो कि कृष्णा बहुत ज्यादा खेलते हैं ना कृष्णा। और क्या रह गया आपके, और क्या रह गया,
और हाँ ये कपड़े तो क्लोज तो दिखा दो अपने, ये भी कृष्णा को सारे गिफ्ट्स में मिले हैं, कुछ इनके पापा लेके आए हैं, कुछ इनकी दादी बुआ इन सब लोगों ने दिए हैं, कुछ ये टी शर्ट्स वगैरह हैं जो कि कृष्णा दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि कृष्णा को कपड़ों बच्चों को तो सिर्फ टॉय से मतलब रहता है। तो एक ये टी शर्ट्स है और ये जीन्स है, ये टी शर्ट्स वगैरह हैं जो सब लोगों ने दादी वगैरह ने मामा लोगों ने इन सब लोगों ने ये दिया है। और क्या रह गया कृष्णा? टॉय को आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक को और क्या करिए?